नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। यूपी के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक इन दिनों मथुरा के दौरे पर हैं, तो वहीं बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर बृजेश पाठक ने मंदिर में दर्शन पूजन किया। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री TSC सेंटर में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक करेंगे और तकरीबन 4 घंटे तक मथुरा में ही रहेंगे। सर, आज वृंदावन बांके बिहारी मंदिर दर्शन, आज वृंदावन में प्रभु बांके बिहारी जी का दर्शन करके पूरे प्रदेश के निवासियों के लिए हमने आशीर्वाद प्राप्त किया है। प्रदेश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े, सबके दुखों का नाश हो, कष्टों का नाश हो, सबके घरों में सुख संपत्ति वैभव आए, ऐसी कामना मैंने प्रभु के चरणों में की। कांग्रेस द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं इधर, एक आप जानते हैं, आप उनकी मानसिकता को अच्छी तरह समझ चुके हैं। देश में आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं महोत्सव का उद्देश्य है भारत के गौरवशाली इतिहास को याद करना और हर भारतवासी को देश के प्रति जागरूक करना। बता दें, इस महोत्सव के द्वारा देश की संस्कृति परंपरा को जीवित रखना, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। महोत्सव में केंद्र सरकार हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को आजादी के दिन को एक उत्सव की तरह मनाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का आह्वान किया है। आजादी का अमृत महोत्सव हमारा प्यारा देश भारत सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेजों हुकूमत की तनाशाही रवैये और अत्याचार को सहन करता रहा, फिर भी भारत वीर सपूतों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अंग्रेजों को छोड़ो भारत छोड़ने का मजबूर किया। 1947 में भारत पूर्व आज़ाद हुआ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है ये अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 12 मार्च 2021 से हुई है और 15 अगस्त 2023 तक ये चलेगा। तो एक ये महोत्सव है जो कि हमारे बच्चे जो है हमारे विद्यालय में हमारे जो भी हमारे बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य है। मैं फौज में 27.5 साल इंडियन आर्मी में एक्टिव सर्विस किया हूँ और ये अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है आज़ादी का, इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और ये छोटे बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत हो रही है। एज ए चीफ गेस्ट में ये मेरा यही सजेशन है कि ऑलवेज कीप इट अप, हमेशा इसको। और देवरिया के रुद्रपुर ग्राम सभा में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही नेहरू युवा जिला युवा अधिकारी विकास तिवारी के साथ अन्य अधिकारियों ने वृक्षारोपण किया। वहीं ग्राम प्रधान उपेंद्र यादव ने बताया कि हर घर तिरंगा यात्रा के लिए 13 से 15 अगस्त तक सभी लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगे। हरदोई के मंगलीपुरवा स्थित श्री डाल सिंह मेमोरियल स्कूल के बच्चे हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में लगे हुए हैं। साथ ही बच्चों ने भारत माता और देश के सैनिक बनकर समाज से जुड़े हर वर्ग के लोगों से हर घर तिरंगा लहराने की अपील की। इस दौरान स्कूल के प्रबंधक ने कहा कि ये महापर्व हमारे देश के सभी पर्वों से बड़ा है। मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि 75वां आज़ादी अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाएंगे, 13 से 15 अगस्त तक की तिरंगा फहराएंगे। सर, लगे पड़े हैं बच्चों को, बच्चे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमें किस तरह से इस बार 15 अगस्त सेलिब्रेट करना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरे देश में तिरंगा अभियान चल रहा है, अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे ही हम लोग भी अपने स्कूल में अपने बच्चों को तैयार करें और बच्चे भी बहुत उत्साह से तैयार होते हैं और अपने जो भी वो प्रस्तुत करते हैं लोगों को जागरूक करें कि हमें कैसे अमृत महोत्सव मनाना है और घर घर तिरंगा लहराना है। थैंक यू। माता की वेशभूषा में हूँ और मैं आप सबको यह संदेश देना चाहती हूँ कि हर घर तिरंगा सफल बनाना है, घर घर तिरंगा फहराना है और हम इसी उपलक्ष पर हम विद्यालय के बच्चे रोज खुद तो जागरूक होते हैं तथा लोगों को भी जागरूक करते हैं।
सुल्तानपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आजादी की 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाने की तैयारियां चल रही हैं। हर घर तिरंगा लहराने के अभियान को शत प्रतिशत सफल बनाया जा सके इसके लिए जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया। इस तिरंगा यात्रा में सीआरपीएफ के जवान, पुरुष महिला की यूनिट, स्कूल कॉलेज के बच्चे, बार एसोसिएशन, कई सामाजिक संगठन शामिल हुए। जिलाधिकारी ने सर्वे के बाद बताया कि करीब साढ़े तीन लाख झंडे लगाने हैं। तकरीबन 3.5 लाख झंडों की व्यवस्था की जा चुकी है। अमृत महोत्सव जो हम देश के स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, उसके क्रम में आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा जो इस बार हमने लक्ष्य रखा है कि हम सभी लोगों के सभी घरों पे इस बार तिरंगा लहराएं और भारत के 75वें आज़ादी के वर्षगांठ को एक साथ मनाएं। रजनीश श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य गोपाल पब्लिक स्कूल। जैसा कि हमारी स्वतंत्रता, हमारे देश को स्वतंत्रता मिले हुए आज 75 वर्ष 15 अगस्त को पूरे हो रहे हैं, तो ये दिन सभी भारतवासियों के लिए एक आलादित करने वाला दिन है। एक बहुत आनंद का क्षण है कि हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुए, आज 75 साल पूरे हो जाएंगे। तो हमारी जो केंद्र सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है, हर घर तिरंगा। ये हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है। हम घर घर उत्सव मनाएंगे, हर घर रंगोली बनेगी, हर घर लड़ियाँ लगेंगी और एक हफ्ते का ये अनवरत हमारा 11 से 17 तारीख तक कार्यक्रम चलेगा झंडा रोहण का। उसी के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत ये यात्रा निकाली जा रही है। ये हमारा प्रतीक है, ये हमारा सम्मान है, ये हमारे देश की शान है। उसके शान में सारे जितनी संस्थाएं हैं सबके अगुआ यहाँ आए हुए। औरैया जनपद के बीझलपुर से देश की आज़ादी के लिए 81 वीर शहीद हुए थे, जिनकी याद में शहर में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि सन 1958 में शहीद हुए 81 शहीदों की स्मृति में शहीद उपवन बनाया जा रहा है, जिसके लिए जिला पंचायत के जेई को मिला जिला अधिकारी ने 13 अगस्त तक काम को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र और छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रशासनिक भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं का कहना है कि एक ही डेट में 2 परीक्षाएं कैसे हो सकती है। बता दें कि प्रवेश परीक्षा कल से शुरू होने वाली है, ऐसे में प्रवेश पत्र उपलब्ध न होने के कारण बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और छात्रों को छात्रावास की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं है। मांग थी कि जो भी ये परीक्षा के टाइम टेबल बने हैं उनके मन मुताबिक नहीं है, कुछ परीक्षाएं एक साथ हैं। उस दिन भी मैं छात्रों से कही थी कि आप अपना लिखित जो भी शिकायत है लिखित आप प्रशासन को अवगत करा दें, रिटर्न में अवगत करा दें, लेकिन बच्चे उस दिन भी लिखने को कुछ तैयार नहीं थे और प्रशासन के साथ बैठ के सामंजस्य किए कि ये परीक्षा हटा दी जाए। हम लोगों का जो धरना का रूप है बहुत ही विकराल रूप हो जाने वाला है। देखिए, इसमें बहुत सारी विश्वविद्यालय की समस्याओं जो है, विश्वविद्यालय प्रशासन की जो समस्याएं को लेकर के हम लोग बैठे हैं, क्योंकि जो प्रवेश परीक्षा का जो एंट्रेंस होने वाला है कल, जो है LLB का और तमाम कोर्सों का प्रवेश परीक्षा है, और आज जो है 6 तारीख है, 7 तारीख को एंट्रेंस है। आज जो है स्थिति ये बनी हुई है कि हजारों लोग अपना प्रवेश जो पत्र है, एडमिट कार्ड है, नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की जो है कमजोरियां नाकामियां को दर्शाता है कि कल जो है एंट्रेंस होने वाला है और लगभग 35,000 विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए 35,000 छात्रों ने आवेदन कर रखा है। औरैया में अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के मुगल रोड पर देर रात 2 सिपाहियों की आपस में मारपीट हो गई। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बता दें कि चंद रुपयों के बंटवारे को लेकर सिपाहियों में मारपीट हुई थी। वहीं CO प्रदीप कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि किसी भी हालत में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोनों सिपाहियों के खिलाफ लाइन हाजिर करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना अजीतमल के 2 सिपाहियों का एक अनुशासनहीनता का वीडियो प्रकाश में आया है, जिसमें उच्च अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करते हुए लाइन हाजिर कर दिया गया है और जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
बलिया के फरसाटार गांव में देर रात बदमाशों ने झोला छाप डॉक्टर की निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद डॉक्टर को खून से लथपथ देख गांव में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। तत्काल सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन से ये पता चला है कि उनको चोटें लगी हुई हैं, दो चोट हैं। तत्काल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इस प्रकरण में हमको उनके परिवार की तरफ से तहरीर भी प्राप्त हो गई है, जिसमें हम उचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं। बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है, पीएम रिपोर्ट के हिसाब से हमको चोट के बारे में स्पेसिफिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत करके विवेचना शुरू कर दी है। शीघ्र ही जो भी घटना हुई है उस घटना के कारणों का पता लगाते हुए जो अभियुक्त होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। बिजनौर में आए दिन गुलदार का आतंक देखने को मिलता रहता है और देर रात गुलदार घर के आंगन में मां के साथ सो रही 6 माह की मासूम बच्ची को उठाकर ले गया। वहीं वन अधिकारियों ने गुलदार के जरिए बच्ची को निवाला बनाने की पुष्टि की है। मेरी धेती थी, ये लड़की के पास सो रही थी, हम भी वहाँ पे सो रहे थे बराबर में, मच्छरदानी लगी हुई थी। 3 बजे करीब लड़की को उठा के ले गया, देखा भाला ईख मुख पड़ गया। कितने साल की बच्ची थी? 6 महीने की थी सर। क्या नाम था बच्चे का? सिद्रा। ये आपने देखा गुलदार के पैर मिले? हाँ, गुलदार के पैर मिले। सूचना मिली थी कि रात में जो नूरपुर अरब गांव है उसमें श्री मोहम्मद जी के घर के सामने आंगन बाहर के बच्चे सो रहे थे, उनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी 6 माह की, तो उसको गुलदार रात में उठा ले गया। जब मौके का निरीक्षण किया गया तो मौके पे काफ़ी खोजने पे उसका पूरा शरीर तो नहीं मिल सका दुर्भाग्यवश, लेकिन मौके पर गुलदार के पग मार्क्स मिले हुए हैं और वहाँ पे खून के कुछ छींटे पड़े हुए हैं, जिससे लग रहा है कि ये गुलदार द्वारा इसका हुआ ऐसा संभवतः ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी सरकारी सहायता है उसको दिलाने का हम पूरा वो करेंगे और यहाँ पे कैमरा टेप लगवा दिया जा रहा है, जिससे लोकेट हो सके कौन सा जानवर है और इसका मूवमेंट क्या है, उस हिसाब से आगे कार्रवाई किया जा रहा है। फरीदाबाद में सिविल अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर लगभग 700 कर्मचारी पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर हैं। ऐसे में सरकारी सेवाओं से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकारी संस्थाओं सरकार से स्थायी करने की मांग की है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की मांग है कि जो पिछले दिनों नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े लोगों को निकाला गया था उनको फिर से बहाल किया जाए। साथ ही 7वां वेतन आयोग लागू करने की मांग की है। अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो स्वास्थ्य कर्मी आगे भी प्रदर्शन जारी रखेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट की मैन मॉनिटरिंग वगैरह करते हैं नूह मेवात के, उनको रेस्टिकेट कर दिया गया है और जो डैम थे जो हमारी सैलरी बेसिस बनाते हैं उनको निकाल दिया गया है। तो फिर हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। जब उनको निकाल दिया तो हम तो एक बहुत छोटे लेवल पर वैक्सीनेशन करते हैं, प्रेगनेंटों की केयर करते हैं, जब हमारे को जो सैलरी देते हैं जो हमारी ऊपर रिपोर्ट देते हैं उन्हीं को निकाल दिया तो फिर हमारा तो काम। हम लोग इसलिए यहाँ डटे हुए हैं कि जो हमारे साथी निकाले गए हैं वो 10-12 साल से जॉब कर रहे थे। मेरी खुद की सर्विसेज 21 साल की है, जब 10-12 साल का और मेन पिलर हमारा हिला दिया गया, जो हमारे साथी निकाले गए हैं वो लीड कर रहे थे NHM यूनियन को और उस यूनियन के मेन पिलर को ही हिला दिया गया है, तो हम लोग तो उनके सामने कुछ भी नहीं रखते। ये NHM नेशनल हेल्थ मिशन है जो कि स्वास्थ्य विभाग को एक तरीके से सपोर्ट के लिए बनाया गया सिस्टम है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में जितने कर्मचारी हैं उनमें अगर सीधा सा बात करें तो करीब 70-80% NHM के कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कितने लोग यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? पूरे हरियाणा में करीब 14,000 NHM कर्मचारी हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और फरीदाबाद में देखें तो ये 700+ कर्मचारी। हरियाणा के बलभद्र में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। वहीं मंत्री से गुहार भी लगाई गई कि सफाई के संसाधन उपलब्ध करवाने की मांग की है। बता दें कि कुछ दिनों में पीएम मोदी फरीदाबाद में आने वाले हैं, ऐसे में ज्ञापन में अन्य मांगों को लेकर भी CM मनोहर लाल से जल्द उनका समाधान कराने की प्रयास किया जाए। गाजियाबाद लोनी ब्लॉक के गानौली गांव निवासी सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात युजवेंद्र बैसला ने अपर क्षेत्र
का नाम रोशन किया है। वहीं नीदरलैंड में विश्व पुलिस खेलों की एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है पूरे गांव में, जिसके बाद खुशी में लड्डू बांटे गए और जश्न मनाया गया। हरदोई के कोतवाली शहर में लोनार गांव के रिटायर्ड फौजी से लूट का मामला सामने आया है, जिनसे चोरों ने 50,000 की लूट की है, जिसकी सूचना फौजी ने पुलिस को दी। पुलिस ने बैंक में लगे सीसीटीवी की मदद से चोरों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। ग्राम लोनार, पोस्ट लोनार, थाना लोनार से बैंक के लिए, पंजाब नेशनल बैंक के लिए हरदोई आया रुपये निकालने के लिए। 11 बजे करीब लगभग बैंक में आया, 11:15 बजे मुझे पैसे मिल गए 50,000 रुपये, और वो मैंने गिनती करके और पासबुक एंट्री करने के लिए मशीन के पास आया और पासबुक एंट्री करने लगा, उसी दरमियान मतलब रुपये निकाल लिए। इनका विवाद राघवेंद्र वाजपेयी सनाप मोहित वाजपेयी से था, 500 रुपए के लेन देन के विषय में आपसी झगड़ा हुआ, और इनका आरोप ये है कि मोहित वाजपेयी मेरे ऊपर पत्थर मार रहे थे, अपने बचाव में मैं छत पर जा कर के फायरिंग, हवाई फायरिंग किए हैं, 3 राउंड फायरिंग किए हैं। अभी तहरीर नहीं मिली है, तहरीर ली जा रही है, तहरीर लेकर के आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरदोई के थानापाली कस्बे के मोहल्ला शेख सराय में ताजिया देखने गए 13 वर्षीय किशोर की गला रेत कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि घटना के पीछे की वजह पैसों का लेन देन बताया जा रहा है। वहीं घटना से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस विभाग के आला अधिकारी जांच पड़ताल में जुटे। कुछ रुपयों को लेन देन को लेकर के गांव के ही कुछ लोगों ने, पूरी बच्चे हैं, उन लोग का भी नाम पता लग रहा है, उनके द्वारा उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई है। अभी कुछ लोग से पूछताछ की जा रही है, जो भी इसमें दोषी होंगे सब विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामला लखीमपुर की सदर कोतवाली क्षेत्र के रमही पुल का है, जहां रोडवेज बस की एक बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। बाइक पर सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि घायल बच्चों को जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर कर दिया गया है, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने बस के ड्राइवर को अपनी हिरासत में ले लिया है। खबर अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र से है, जहां एक बहू ने अपने ससुर को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि मृतक ससुर को अपनी पुत्र वधू के अवैध संबंधों का पता चल गया था, जिस कारण उसने खाने में जहर देकर ससुर को मार दिया। इसके बाद वो मौके से फरार हो गई। वहीं पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर दी, जिस पर कोई सुनवाई ना होने पर पीड़ित परिवार SSP के कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाता नजर आया। जो है मेरी बीवी के किसी के साथ संबंध थे, तो मेरे बाप का नाम है इस्लाम, तो हमारे पापा का पोस्टमार्टम भी हुआ था, पराठों में जहर दे दिया था मेरी बीवी ने, जब हुआ था पोस्टमार्टम। क्यों जहर दिया था? वो किसी के साथ संबंध थे और चैलेंज के साथ कहा था कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हें खत्म कर दूंगी। फरियाद की बीवी को 1-2 बार किसी लड़के के साथ देख लिया, देखने के बाद में उसको ये लगा कि ये जो है अब मेरी पोल खुल जाएगी, सब में बदनामी हो जाएगी, तो उसने जब ही उसको चैलेंज दे दिया कि बुड्ढे तुझे 3 दिन के अंदर अंदर में मार दूंगी। गाजियाबाद में पुलिस ने अपराधियों की पकड़ने के लिए अभियान चलाया है, जिसके तहत पुलिस ने ई रिक्शा चोरी करने वाले गैंग के 6 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी की हुई 15 ई रिक्शा बरामद हुई है। SP सिटी ने बताया कि गैंग दिल्ली NCR में ई रिक्शा चालकों को नशीला पदार्थ पिलाकर ई रिक्शा चोरी कर लेता है। उन्होंने ये भी बताया कि गैंग के 4 सक्रिय सदस्य अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार दबिश दे रही है। देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक तहरीर आई थी, जिसमें एक व्यक्ति ने बताया था कि उसको कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर उसकी ई रिक्शा लूट ली गई है। इसी के क्रम में हमने टीमें गठित करी गई, और जब हम इसमें पहुँचे तो हमको इसकी लीड बेलारी जगह है मुरादाबाद में, वहाँ पे मिली। इसमें इसी क्रम में हम लोगों ने
तीन व्यक्तियों से ये चोरी की रिक्शा बरामद करी, और जब उनकी निशानदेही पे हम गए तो वहाँ पे एक गोडाउन में हमको लगभग 12 और रिक्शा बरामद हुई और वहाँ पे 3 लोग और गिरफ्तार करे हम लोग। बदायूं में वजीरगंज के पेपल गांव में युवक का शव मिलने के बाद दहशत का माहौल बन गया। बता दें कि आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला बोल दिया है। इसमें थाना अध्यक्ष प्रकाश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना उस वक्त हुई जब युवक घर से खेत की तरफ गया था। युवक के घर न लौटने पर सूचना पुलिस को दी गई, वहीं पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच